नमो नारायण। 29 दिसंबर सन 2017 और शुक्रवार का दिन है और जी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। क्या प्रयासों के बावजूद भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और बिना कारण अनावश्यक रूप से कर्जा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कामकाज में मन नहीं लग रहा है, हमेशा कार्य में विघ्न आते हैं, मन हमेशा विचलित रहता है, निर्णय लेने में परेशानी आ रही है या फिर मुंह में कोई ना कोई परेशानी रहती, मुंह दुर्गंध आ रही है, दांतों में दर्द है, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ रहा हूं गुरु मंत्र में नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार के पंचांग की। शुक्रवार का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, विक्रम संवत 2074 आज एकादशी है और एकादशी का व्रत जीवन में सारे कष्टों से छुटकारा दिलाता है। और शुक्रवार का प्रातकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र चंद्रमा मेष राशि में है। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 29 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 29 दिसंबर आपका जन्मदिन और आपके जीवन में कैरियर, कारोबार, परिवार और स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी है, मन हमेशा विचलित रहता है और निर्णय लेने में परेशानी आ रही हो, काम काज में मन नहीं लग रहा हो, अपनों का साथ नहीं मिल रहा हो, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत किसी गरीब निधन कन्याओं को दूध का दान 40 सारे कष्ट। किसी भी सोमवार के दिन बिना जोड़ की चांदी की अंगूठी कनिष्ठ आंगुली में धारण करेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। किसी भी सोमवार को प्रारंभ करें, हर सोमवार को प्रातःकाल नित्यक्रम नो स्नान उपरांत ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकमि वंदनात् मृत्युमुक्षे मां मता दया ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए जल, गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करेगा, सारा जीवन खुशियों से भर रहेगा, पूरा साल आनंद से बीतेगा। अगला कदम सितारों की ओर और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करूंगा शुक्रवार के राशि पर, लेकिन सबसे पहले मेष राशि। सितारे आपके पक्ष में है मेष राशि वालों, और जिस तरह के घर योगायोग है परिश्रम से परीक्षा और प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे, धन संबंधी मामले सुलझेंगे, समस्याओं का समाधान होगा, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का भी प्रबल योग है। क्या करें, यदि कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। क्या ना करें, किसी से भी व्यर्थ विवाद विवाद न करें। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, बारहवें चंद्रमा है और ग्रह गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, ग्रह गोचर आज प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं, सुख और शांति में बाधा उत्पन्न होगी, बहुत जरूरी है गोपनीयता बरतना अन्यथा नुकसान हो जाएगा। जिस तरह की घरे योगा योग है कारोबार में सफलता नहीं मिली, धन के अपव्यय पर काबू रखना बहुत जरूरी है और शारीरिक तनाव भी, और सुबह से लेकर शाम तक वृषभ राशि वालों गोचर इसी तरह का छोटा सा उपाय नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षी मंत्र नमः शिवाय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, किसी गरीब निर्धन कन्या को 1, 2, 3 जो भी आपकी सरकार भोजन कराएगा, सफेद वस्तुओं का दान दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, हिम्मत और साहस से कार्य क्षेत्र में क्रियाशील रहे, लाभ मिलेगा। क्या ना करें, बिना मतलब की राजनीति की जोड़ तोड़ में ना पड़े आज नमः। और बात करते हैं मिथुन राशि। आज जिस तरह की आप कर्मठता दिखा रहे हैं और जिस तरह से आप प्रयासरत है, सर्वत्र विजय नजर आ रही है, सफलता नजर आ रही, लाभ नजर आ रहा है। आज माता पिता की सेवा का भी लाभ मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके आशीर्वाद से समस्याओं का समाधान मिलेगा, क्योंकि गोचर सुफलों को देने में समर्थ है, सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, सहयोगियों की मदद से विकास का रास्ता मिलेगा, सारा दिन अच्छा रहेगा और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। क्या करें, वरिष्ठ अधिकारी से तालमेल बिठाकर कार्य को आगे बढ़ाइएगा, सफलता मिलेगी। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में रुकावट ना डालें। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले शुक्रवार का राहु काल और यात्रा। शुक्रवार का राहु काल प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे और राहु काल के सुबह कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना
भूमि भवन वाहन में निवेश करना या कमोडिटी का सौदा करना उचित और अनुकूल नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, न मना रहे लेकिन दावे में नहीं कर सलाह दे सकता हूं। सेकंड में ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। बात करते हैं यात्रा, दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहे। मेरा कहना है कि समय और साधनों में परिवर्तन बहुत है, दबाव नहीं है लेकिन समय और साधनों में परिवर्तन बहुत है, इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें आज के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में गाय के घी का दीपक जलाएं और कमल का पुष्प भेंट करिए। दही खाकर यात्रा पे जाएगा, यात्रा में कष्ट कम आएगा, ऐसा मेरा अनुभव है साथियों, लादने का स्वभाव नहीं। और बात करते हैं कर्क राशि, पारिवारिक सुख बड़ा अच्छा है, मनोकामना पूर्ण होगी, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और अधिकारों में वृद्धि होगी, गोचर अच्छा है, कहीं कोई परेशानी नहीं, क्या करें। जब अवसर आपके पास में हो तो उचित अवसर का लाभ उठाना समझदारी, क्या ना करें, स्वजनों से मतभेद प्रकट न करें, आज इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बात करते हैं सिंह राशि, सिंह राशि वालों ग्रहगोचर की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, लाभदायक है, सफलताओं से भरी है, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मन संतुष्ट रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और आज जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली, आपके व्यवहार से आज आपके सारे कार्य पूर्ण और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, क्या करें। व्यापारिक लाभ के लिए प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है, क्या ना करें, अपनी वाणी से किसी को कष्ट न दे, नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, कन्या राशि सितारों की बात करो और सितारे ये कहते हैं कि आज सावधानी अपेक्षित है, भाग्य आपकी पक्ष में कवर नहीं ले रहा है, धन हानि की संभावना नजर आ रही है, आवास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्या करें। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनाए रखना बहुत जरूरी, आज प्रयास करना, क्या न करें, नवीन कार्य आरंभ करना। कर्क सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह आज का सोचा, वास्तु सलाह यदि ओवरहेड टैंक दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया है तो उसे 2 फीट ऊंचे स्लैब या चबूतरे पर बनाना बहुत जरूरी है, इस पर देख लेना, ऐसा वास्तु सलाह। और बात करते सुझाव, कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज विवाह संबंधी परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ा, क्या करें, आज शुक्रवार का दिन और आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव के सिंह में जल से अभिषेक करें और 108 बेलपत्र सफेद चंदन से ओम लेकर भगवान शिव के सिंह में अर्पित करें, आप करके देखिए सारे जाएंगे। नमन। बात करते हैं तुला राशि, तुला राशि सितारों की बात, सितारे आपकी पक्ष में करवट ले रहे हैं, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, आज ग्रह गोचर अनुकूल है, कार्य व्यवसाय में विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, देश विदेश से नए संबंध भविष्य में लाभ प्रसिद्ध होंगे, अर्थ लाभ की इच्छा पूरी होगी और दाम्पत्य जीवन पूर्ण सुख और सहयोग से भरा रहेगा, दिन बड़ा अच्छा है, आज सारा दिन खुशियों से बीतेगा, क्या करें। आप भाई बंधुओं को सहयोग करिए, ईश्वर आपको सहयोग करे, क्या ना करें, बेवजह की चतुराई नहीं देगा, नुकसान हो सकता है। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, ये समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, कोई कार्य प्रबंधन करना चाहते, नया काम शुरू करना चाहते, पूंजी निवेश करना चाहते, लाभ प्रसाद, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना भी बहुत अच्छा रहेगा, चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, सास और प्राकृतिक क्षेत्र में विजय होगी, सारा दिन चारों ओर का वातावरण आपके पक्ष में नजर आ रहा है, क्या करें, नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं, क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। नमन। बात करते हैं धनुराशि, धनुराशि वालों गोचरीय संकेत दे रहा है कि आसपास का वातावरण पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन झूठ और स्वार्थ की भावना से बचना होगा, अन्यथा मित्रजनों से मनमुटाव हो सकता है, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा लेकिन मेहनत आप खुद करेंगे तब सफलता मिलेगी, क्या करें, अपने कार्य क्षेत्र में सजग करें, क्या ना करें, शेयर मार्केट में धन ना लगाए,
तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले उपाय और नुस्खे आज का उपाय। यदि अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अनावश्यक परेशान, बिना मतलब की परेशान, ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल सकता है। किसी भी माँ के गुरुपुष्य नक्षत्र दिन प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ करें, लगातार 8 दिन अपने पूजा स्थान भगवान गणपति का श्रद्धापूर्वक पंचपुजार पूजन करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, छह विनायकों का नाम ले तो 6 विनायकों का नाम ले, 21 दुर्वा रोज अर्पित करें, सुदासन में बैठ जाइए, गणपति का पंचपुचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुत्र अक्षर अर्पित करिए, ओम मोदाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम दुर्मुखाय नमः, ओम विघ्नाय नमः, ओम विघ्नहर्ते नमः। 108 बार पूजन के बाद 8 गरीबों को श्रद्धान कर 8 दिन पूजन करके देखिए सारे कष्ट मिल जाएंगे। नमन और बात करते हैं आज के दिन, यदि मुंह में दुर्गंध रहती है, एक चम्मच अदरक का रस एक गिलास गर्म पानी मिलाकर कुल्ला करके देखिए मुंह की दुर्गंध दूर हो जाएगी, ये बहुत सुंदर होता है। और बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि में सितारों की चाल संकेत देने की प्रयास करना पड़ेगा, सब होता है, लेकिन प्रयासों के अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति। कारोबार में अनुकूलता रहेगी, गुजर लायक धन की प्राप्ति होगी, जिससे कि घरे योगा योग है, थोड़ा सा अपनों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। क्या करें, स्वजनों की मदद करें, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों सितारे ग्रह गोचर संपूर्ण सितारों की चाल आपके पक्ष में, समय उत्तम है, अधूरे कार्य अप्रत्यक्ष रूप से सफल होंगे, सास और बाहुबल में वृद्धि होगी, छोटे भाइयों का सहयोग की आशा की जाए, आज आपके छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े हैं, और कारोबार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। क्या करें, व्यवसाय की यात्रा के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। और बात करते हैं मीन राशि वालों, गोचरीय संकेत दे रहा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चारों ओर का वातावरण ठीक है, पारिवारिक लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे, और पारिवारिक लोगों के सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कुछ ये भी संकेत दे रहा मीन राशि वालों कि धन संबंधी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाए, हाँ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना आवश्यक होगा, और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं निभाए थोड़ा कार्यभार बढ़ सकता है, धन पे खर्चा हो सकता है। क्या करें, ये लोग जो आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता है, उनका सम्मान, उनके शब्दों का अपना मोल होता है, उनकी बातें मान आपके लिए बहुत अच्छा। क्या ना करें, नवीन कार्य में जल्दबाजी ना करें। 12 राशियों का राशिफल जो ग्रहनक्षों पर आधारित था, मेरा निवेदन है आप सभी लोगों को, सेकंड ओपनिंग अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आपके पास रहे, हाँ कहीं छूट जाता है यूट्यूब पे जाइएगा, गुरु मंत्र विद दाती महाराज, ये मेरा YouTube पे चैनल है, गुरु मंत्र विद दाती में DAATI होगा, दाती में इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरी वेबसाइट है www.shanidham.in और मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि शत्रु में। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ लोगों ने कहा ऋण का बोझ नहीं उतर रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जे से कैसे मुक्ति हो उपाय बताऊंगा। शुक्रवार का जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले जाऊंगा। नमो नारायण, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि बिना वजह ऋण का बोझ बढ़ रहा है तो आज के दिन नित्य कर्म निमित्त स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में अंगुष्ठ प्रमाण भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, जल गंगा जल पंचम से स्नान कराएं, पुनेश्वर जल से स्नान कराएं, श्रद्धा पंचपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध से घी का दीपक जलाए, तत्पदा दक्षिणावर्ती शंख में गाय का घी कच्चा दूध जल और गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का ओम महादेव्यै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार उनका अभिषेक, पुनः सुजल से स्नान कराइएगा, केसर का तिलक करिए, पीले पुष्प खेत करिएगा, सारे कष्ट नमन। और बात करते हैं जीवन मंत्र, गुरु महाराज जी कहते थे कि न तो इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें थूक दे, और न इतना मीठा बनो कि लोग तुम्हें निगल जाए,
संतुलित जीवन अति स्वतंत्र वर्जित है। नमो नारायण। अब समय है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन की। प्रभु आपका कल्याण करो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के शिर चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय शनिवार का राशि। शनिवार में भगवान शनिदेव को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे उपाय और वास्तु सलाह ले कहूंगा। आज अपनी गलती अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण।